दोस्तों बाय नाउ पे लेटर्स का मार्केट इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारी बाय नाउ पे लेटर्स एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ ऐसे बाय नाउ पे लेटर्स एप्स हैं जिसमें बिना किसी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के भी आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानोगे टॉप 5 बेस्ट बाय नाउ पे लेटर्स एप्लीकेशंस के बारे में, और हाँ ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे हमने रखा है मोबीक्विक जिप पे लेटर को। यह सर्विस आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। जिप पे लेटर एक्टिवेट करने के लिए आपको आधार बेस्ड केवाईसी करना जरूरी होता है, उसके बाद आपको लिमिट दी जाती है। बात करें इसके लैंडिंग पार्टनर की, तो इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक और फ्लटन इंडिया और साथ ही साथ लैंडबॉक्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसमें आपको 60,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। इसके साथ ही दोस्तों आपको मिनिमल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, 0% का इंटरेस्ट रेट लगता है अगर आप टाइम से बिल पेमेंट करते हो। अवेबिलिटी की बात की जाए तो वेरियस अवेबिलिटी यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा के ऑनलाइन मर्चेंट्स है जहां पास आप मोबीक्विक जिप पे लेटर को यूज कर सकते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा। दोस्तों जिप पे लेटर का यूज आप रिचार्जेस, बिल पेमेंट, गिफ्ट कार्ड परचेस करने के लिए भी कर सकते हो। अगर आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसमें आपको ज्वाइनिंग फीस लगती है 99 रुपीज की, जो की 1 टाइम होती है। बिल पीरियड की बात की जाए तो आपको 15 डेज का पीरियड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मंथ में 2 बार ही जनरेट होता है। वहीं बात करें दोस्तों सिविल स्कोर पे इफेक्ट के बारे में, इस पे जो भी आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है आपके सिविल रिपोर्ट पे भी शो होता है। अगर आप टाइम से बिल पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी बहुत ज्यादा गिर जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं करते हो, आपका बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आपको इनके कंज्यूमर सपोर्ट की तरफ से कॉल आता है बार बार, SMS अलर्ट आता है, आपको वार्निंग भी दी जाती है, जो कि काफी ज्यादा परेशान होने वाली बात है। बस इन्हीं कारणों की वजह से मैंने इसे अपने लिस्ट पे 5वें नंबर पे रखा हुआ है। दोस्तों नंबर 4 पे हमने रखा है पेटीएम पोस्टपेड को। पेटीएम पोस्टपेड का लेंडिंग पार्टनर है फ्लटन इंडिया एंड आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। इसकी सर्विस आपको पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसमें आपको 60,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। बात करें एक्सेप्टेंस की, तो पेटीएम का प्रोडक्ट है, जगह जगह इसका यूज आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं एवं ऑफलाइन भी आप यूज कर सकते हैं जहां पास पेटीएम का QR कोड अवेलेबल रहता है। दोस्तों इसमें आप जो भी स्पेंड करते हो उसे आप EMI पे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हो तब आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा इसमें आपको 30 डेज का फ्री इंटरेस्ट पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जो भी आपने यूज कर लिया अमाउंट, जब आप बिल पेमेंट करने जाओगे तब आपको कन्वीनियंस फीस लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसका अप्रूवल सभी को इंस्टेंट नहीं मिल पाता है, काफी मेहनत के बाद पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट दी जाती है। दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड पे आपको बहुत ही कम क्रेडिट लिमिट दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके सिविल स्कोर को भी प्रभावित करता है, यानी कि अगर आप टाइम टू टाइम बिल पेमेंट नहीं करोगे तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड के बारे में डिटेल में जानना है तब आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी, उसे जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों इस लिस्ट की 3rd नंबर की एप्लीकेशन है लेजी पे। दोस्तों लेजी पे ने पेयू फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप कर रखी है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसमें आपको 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। लेजी पे पे आपको अप्रूवल फास्ट मिलता है। इसमें आपको 30 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी सर्विस बहुत जगह अवेलेबल है और साथ ही साथ आपको EMI का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है मर्चेंट साइट्स पे। दोस्तों इसके अलावा आपको लेजी पे UPI का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल के डेट में ये सर्विस बंद है, जैसे ही ओपन होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। दोस्तों लेजी पे के अंदर आपको कार्ड्स भी देखने के लिए मिल जाता था, जो कि SBM बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इंट्रोड्यूस किया था। फिलहाल के डेट में लोगों को कार्ड तो नहीं मिलता है, बट बाय नाउ पे लेटर की सर्विस जरूर मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों इसके अंदर आपको लेट पेमेंट का चार्ज बहुत ज्यादा हाई देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ EMI पे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल के डेट पे UPI सर्विस बंद है और साथ ही साथ कार्ड अप्रूवल भी नहीं हो रहा है, तो ये डिसएडवांटेज पे मैंने इसे रखा है, इसीलिए इस लिस्ट के 3rd नंबर पे मैंने इस एप्लीकेशन को रखा है। दोस्तों हमारी लिस्ट के 2nd नंबर पे है जेस्ट मनी। जेस्ट मनी के मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर्स हैं लाइक ICICI बैंक, HSBC बैंक, SBI बैंक एटसेट्रा। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसमें आपको 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तब आपको 40 से लेकर 50,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। दोस्तों इसकी EMI सर्विस बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, रियलमी स्टोर हो गया, MI स्टोर हो गया, और भी शॉपिंग साइट्स हैं उस पे आप EMI पे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। इसका जो एक्सेप्टेंस है दोस्तों वाइडली है, यानी कि बहुत सारे फिजिकल स्टोर भी हैं जहां पास आप जस्ट मनी को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। इसमें जो भी आपको लोन अमाउंट दिया जाता है यानी कि जो लिमिट दी जाती है वो आपके सिविल पे शो होता है, लेकिन इनकरेक्ट शो होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको 40,000 की लिमिट दी जाती है तो आपके सिविल रिपोर्ट पे 60,000 रुपए का शो होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप 3 महीने की 2 महीने की ईएमआई पे कन्वर्ट करते हो तब आपको प्रोसेसिंग फीस भी लगता है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी है जहां पास आपको 6 महीने की ईएमआई पे भी प्रोसेसिंग फीस लगता है, लेट चार्ज भी लगता है। तो जब भी आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट लें जस्ट को यूज करके तो वहां पास आप प्रोसेसिंग फीस और कितना इंटरेस्ट लगेगा इसे जरूर चेक करें। दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, एक्सेप्टेंस भी बहुत जगह पे है, इसीलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पे रखा है। दोस्तों हमारे लिस्ट के टॉप में जो ऐप है इसका नाम है सिंपल। ये बाय नाउ पे लेटर नाम की तरह बिल्कुल सिंपल है, इसने किसी भी एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रखी है। आइए बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसके अप्रूवल के लिए आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, बस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है। स्टार्टिंग में आपको 500 रुपए की क्रेडिट लिमिट दी जाती है, उसके बाद जैसे ही आप रीपेमेंट कर देते हो टाइम टू टाइम तो आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा भी दी जाती है। करंटली मेरे पास 3 से 4 सिंपल के अकाउंट है जिसमें क्रमशः 5,000, 10,000 और 15,000 की क्रेडिट लिमिट है। क्योंकि दोस्तों इसने किसी भी प्रकार के एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रखी है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे भी नहीं पड़ता है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों इसका जो भी बिल रहता है इसे आप पे इन थर्ड ईएमआई पे इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको बिल बॉक्स की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है जिससे आप रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट भी कर सकते हो। इसके एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो वाइडली है, यानी कि ग्रोसरी परचेस कर सकते हो, स्विगी जोमेटो पे यूज कर सकते हो, रियलमी स्टोर पे यूज कर सकते हो, बस बुकिंग ट्रेवलिंग पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों करेंटली सबसे ज्यादा जो बाय नाउ पे लेटर सर्विस यूज की जा रही है वो है सिंपल। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि मुझे केवल एक ही दिखा है। इसमें आपको 15 डेज का फ्री इंटरेस्ट पीरियड देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि मंथ में आपका बिल जनरेशन 2 बार होता है, आपको टाइम से रीपेमेंट करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर आपको लेट चार्ज भी देना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो पे जो भी मैंने आपको BNPL ऐप बताया हो वो अभी के टाइम पे बेस्ट है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और मैंने कुछ कस्टमर सपोर्ट से भी बात किया, यूजर्स का भी एक्सपीरियंस लिया है। हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन कौन सी है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे ऐप्स की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे जरूर चेक करिएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तला बीस्ता।